आज हम जा रहे पोहे बनाने के लिए, तो हमारी कढ़ाई जो है वो गर्म हो चुकी है, तो को स्लो कर देंगे। फिर हम इसमें जीरा डाल देंगे। जीरा डालने के बाद हम इसमें राई डाल देंगे। राई डालने के बाद हम इसमें प्याज कटा हुआ डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे। फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कड़ी पत्ता भी डाल देंगे। फिर हम इसे हाई फ्लेम पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अनियन को गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे अच्छे से। तो जब तक हमारा प्याज पक रहा है, तब तक हम अपने मूंगफली को रोस्ट कर लेते हैं। एक चम्मच तेल में एक बाउल मूंगफली डाल के हम उसको रोस्ट कर लेंगे। तो हम इसमें अदरक भी डालेंगे, कद्दूकस किया हुआ, जिससे इसका टेस्ट, फ्लेवर सब कुछ चेंज हो जाता है। इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ऐसा, तो मैं उनके ही अकॉर्डिंग ही बनाती हूँ हर चीज़ जो मेरे हस्बैंड को पसंद आए। तो ये हम पोहे अब डाल देंगे इसमें और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। तो हम इसमें नमक डाल देंगे। फिर हम इसमें लेमन डालेंगे, हाफ लेमन मैं डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अनुसार कितना भी डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद है, जितना आप खाने में पसंद करते हैं उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो लेमन डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और फिर एक बार चेक कर लूंगी इसमें सॉल्ट सही है कि नहीं। तो फिर उसके लिए हमारा पोहा बन के रेडी है। तो ब्रेकफास्ट में मैं एक और डिश बनाने जा रही हूँ, आलू टिक्की सैंडविच। तो इसमें मैंने 3 बड़े आलू ले लिए हैं बॉईल करके, और मैंने अनियन चॉप करके ले लिया है, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, कॉर्नफ्लोर। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो अब इसमें नमक डाल देंगे। फिर नमक डालने के बाद अब हम इसमें हाफ बाउल मटर डाल देंगे। मैंने फ्रोज़न मटर यूज़ कर रही हूँ। तो अब हम इसमें मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, 2 चम्मच राइस फ्लोर लिया है। अब इसमें सॉल्ट और रेड चिली पाउडर डाल के इसका एक घोल तैयार करेंगे। तो हमने आलू टिक्की लेंगे, टिक्की की तरह उसको बनाएंगे, फिर उसमें घोल में एक बार डिप करेंगे, फिर उसमें से निकाल के ब्रेड क्रम्स में डिप करके ऑयल में सेकने के लिए डाल देंगे। जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाता है फिर हम इसे निकाल लेंगे। जब तक गोल्डन ब्राउन होता है तब तक हम इसे अच्छे से पका लेंगे, फिर हम इसे निकाल लेंगे। तो बाकी और भी मैं तैयार कर रही हूँ, सेम प्रोसेस है। तो हम ब्रेड को भी रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को रोस्ट किया हुआ ब्रेड ही पसंद आता है, तो इसलिए मैं रोस्ट करती हूँ। तो उसमें अनियन, कुकुम्बर, टोमेटो सब लगा देंगे, आलू टिक्की लगा देंगे, उसके ऊपर चीज़ स्लाइस लगा देंगे। फिर ये रेडी है खाने के लिए। तो ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट।